आज स्टार्ट करते हैं मिरर आइटम के बारे में, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी कार्सिनोसिनम, वो भी एक नोसोड है और ये भी एक नोसोड है, मतलब डिसीज प्रोडक्ट से ये बनाया गया है। जो कार्सिनोसिनम है वो कैंसर टिश्यूज से बनाया जाता है, लेकिन जो मिरर आइटम है वो गोनोरियल वायरस से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले का स्टोरी देख लेते हैं कैसे क्या है। इसको हम बोलते हैं मिस्टर फॉरगेटफुल, काफी ज्यादा भुलक्कड़ होता है। जैसे कि एलुमिना के बारे में देखा था, तो वो भी अपना नाम वगैरह पहचान वगैरह सब भूल जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ हमें मिरर आइटम में भी देखने को मिल जाता है। इवन वो क्या पढ़ा है वो भी भूल जाता है। इवन जब उससे कोई भी एग्जामिनर बायवा वगैरह पूछता है तो ये भूल जाता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। लॉसिस थी कन्वर्सेशन ऑफ थ्रेट, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है मिरर आइटम में। अब ये क्या जाता है, एग्जाम देने जाता है अपना, ठीक है। तो ये एग्जाम अपना इतना जल्दी जल्दी लिखता है, ये चीज टीचर भी ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ये एग्जाम लिख रहा है। अब जो बंदा हर काम जल्दी जल्दी करेगा तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो है बहुत हल्के हल्के पास हो रहा है, धीरे धीरे पास हो रहा है, और सभी जो है वो स्लो है मेरे मुताबिक, ठीक। तो उसको ऐसा सेंसेशन आता है। एंड जब वो अपनी कॉपी लिख के एग्जामिनर को सबमिट कर देता है, तो एग्जामिनर जब उसकी कॉपी खोलता है तो काफी ज्यादा उसमें मिस्टेक्स है राइटिंग में, ठीक है। स्पेलिंग्स में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, तो एग्जामिनर कहता है इसने तो काफी सारी मिस्टेक्स की है, शायद इसको स्पेलिंग वगैरह नहीं आती है। तो उसने सोचा चलो मैं वाइवा ले लेता हूँ, ठीक है, ओरली पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस को। तो जब ओरली पूछते हैं एग्जामिनर, तो वो क्या करता है, उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसा लगता है मैं बोलते बोलते भूल जाऊंगा, ठीक है। और इवन उसको हो भी जाता है कि बार बार वो बोलते बोलते क्या हो जाता है, भूल जाता है कि मैं क्या बोलने वाला था इसके आगे। इवन जब ये हमारी क्लिनिक पे आता है तो अपने सिम्टम्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, जो उसके प्रॉपर सिम्टम्स हैं, जो भी उसकी डिसीज कंडीशन आ रही है, मॉडलिटीज वगैरह, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाता है कि उसको क्या क्या हुआ है। ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। इवन जब ये डॉक्टर्स के पास आती है मिरो के पेशेंट, तो इसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमेशा इसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है जो कि क्या कर रहा है, विस्परिंग कर रहा है, मतलब मटरिंग कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है या फिर कोई विस्परिंग की कंडीशन कर रहा है, मतलब उसके कान में हमेशा कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमने पढ़ा है चेंजेबल मूड, ठीक है, सीपिया में पल्स में काफी ज्यादा है। तो ये जो चेंजेबल मूड है, एक टाइम पे हैप्पी एक टाइम पे दुखी होना, तो ये कंडीशन कुछ कुछ देखने को मिल जाती है। इवन जब पर्सन सो के उठता है तो उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, हमेशा इसको अंधेरे से डर लगता है या फिर कुछ उसके साथ बुरा होने वाला है, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब जो सोल ऑफ रेमेडीज है, राजन संस्कारन की, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है मिरर आइटम के बारे में, कि इसको फियर रहता है एक्सपोज होने से, कि उसकी जो वीकनेस है अपने कन्वर्सेशन को बोलते बोलते जो कि भूल जा रहा है, या फिर कोई भी उसको रीजन देना होता है या फिर थॉट्स देना होता है तो वो बोलते बोलते भूल जाता है। तो इसको ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, मेरी वीकनेस लोगों को पता ना चल जाए या फिर मेरी वीकनेस लोगों को दिख ना जाए, ठीक है। इसकी वजह से इसको फियर एंड एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी में बंदा क्या करता है, अपने नाखून चबाता है, तो ये कंडीशन इसमें भी देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा नेल बाइटिंग करता है जब इसको एंजाइटी होती है तो, ठीक है। एंड फिडजिटी होते हैं, फिडजिटी के जो अटैक्स वगैरह आते हैं वो कंडीशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि लैग का मोशन या फिर और कंडीशन का मोशन, जैसे कि जिंकम है, जिंकम में फिडजिटी किसमें होती है, नर्व्स में। मिरर में क्या होती है फिजिटी की कंडीशन, इसमें जो बंदा होता है वो एक्सट्रीम एनर्जी का होता है, ठीक है, जैसे कि हमने और केसेस में बताया था कि वो एक जगह घर पे राउंड 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 मूव करे ही जा रहा है,
एक मिनट, वो रुक नहीं रहा है, या फिर जो बंदा खेलना चाहता है तो हमेशा खेलता ही रह रहा है, तो ये कुछ कंडीशन देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा रेस्टलेसनेस होता है या फिर एनर्जी एक्सट्रीम होती है। इगोस्टिक पीपल होते हैं या फिर सेल्फ सेंटर्ड, जो कि अपने बारे में ही सोचे, ठीक है, या फिर रिप्रोचेस अदर्स, दूसरों में गलतियां निकालते हैं और इवन अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि लाइको है, लाइको में भी इगोस्टिक के करेक्टर आ जाते हैं। सल्फर भी काफी ज्यादा इगोस्टिक है, प्लेटिना है वो भी काफी ज्यादा इगोस्टिक है, तो ये भी हमें इगोस्टिक देखने को मिल जाता है। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में क्या होता है, ये डॉर्फिज्म की कंडीशन होती है। जो बौने टाइप के बच्चे दिखते हैं, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होती है इनकी, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है, जैसे कि वराइटाकार, ठीक है, वराइटाकार भी काफी छोटे दिखते हैं, तो ये कंडीशन नीडो में भी देखने को मिल जाती है, डॉर्फिज्म की कंडीशन। और क्लोरोवाइंस रहता है, मतलब उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है, कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, इनको पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। कुछ ऊपरी शक्तियां होती है जो कि इनको कंट्रोल करती है। अब इसमें जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो वायलेंसी के साथ होता है, जैसे कि टेरेंटुला में जो वायलेंसी है वो रेस्टलेसनेस के साथ में, काफी ज्यादा बेचैनी होती है। एनाकार्डियम में भी वायलेंसी है, उसमें ये पता चलता है कि उसके पास दो बिल हैं, एक तो उसके साथ अच्छा काम करा रही है और एक उसके साथ बुरा काम करा रही है। टॉम एंड जेरी किसी ने देखा होगा, तो उसके एक कंधे पे, एक शोल्डर पे क्या होता है, ईवल बैठा हुआ होता है, और एक शोल्डर पे क्या होता है, एक परी बैठी हुई होती है, ठीक है, जो कि उसको अच्छा काम कराने को कहती है, और एक मर्डर कर दो किसी का या फिर वायलेंसी काम कर दो। मॉस्कस में वायलेंसी उसकी सेक्सुअल डिजायर को लेके होती है। मॉस्कस हिस्टेरिकल जो रेमेडीज है, इसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स हम पहले भी बता चुके हैं। और जब ये टीनेजर्स में आता है, तो टीनेजर्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि अर्ली स्टेज में सेक्सुअल इंटेलिजेंस, जैसे कि कार्सिनोसिन में था कि उसको क्या हो रहा है, चाइल्डहुड स्टेज में काफी सारी मास्टरबेशन हो रही है, या फिर उनको चाइल्डहुड में काफी ज्यादा सेक्सुअली इंडल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये अर्ली स्टेज में सेक्सुअली इंडल्स रहते हैं, बाउंड्री को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उसको ये पसंद नहीं कि कोई भी उसके पास रोक टोक करे या फिर बाउंड्री लगाए। जब भी एडल्ट स्टेज में जाते हैं तो इनको मैरिज से अवर्जन हो जाता है, जैसे कि मैरिज से अवर्जन सीपिया में भी है, लाइको में भी है। लाइको में तो इसलिए है मैरिज से अवर्जन क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, लेकिन इसको सेक्सुअल एपेटाइट काफी ज्यादा है। सीपिया में तो अवर्जन नहीं है, उसको इंडिफरेंस की कंडीशन रहती है। तो ये बात रही एडल्ट स्टेज की। अब हम बात करें ओल्ड पीपल की, तो ओल्ड में क्या देखने को मिलता है, उसको काफी सारी मेमोरी लॉस हो गई है, ठीक है, जैसे कि एलुमिना में है काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। जो बूढ़े लोग होते हैं क्या होते हैं, एक टाइम पे बेड पे लेटे ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो कोई काम तो करते नहीं है, तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। जब कोई बंदा कोई काम नहीं करेगा तो उनका टाइम जो है बहुत, मतलब 1 घंटे उनका पूरा दिन के बराबर लगता है, तो टाइम पास टू स्लोली की कंडीशन रहती है। जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं या फिर जो थॉट्स होते हैं वो बोलते बोलते भूल जाते हैं कि क्या मैं बोलने वाला था, या फिर रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पीछे से कोई इनका पीछा कर रहा है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स की काफी सारी डिजायर है, और दूसरों में गलतियां निकालते हैं, रिप्रोचेस अदर बोलते हैं उसको, जो दूसरों में गलतियां निकालें, और रिप्रोचेस हिमसेल्फ जो होते हैं वो अपनों में गलतियां निकालते हैं। टाइम पासिस टू स्लोली में एलुमिना भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है, और कैनाबिस इंडिका भी है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। कुछ कंप्लेंट्स की बात करें तो ये इसमें काफी ज्यादा रूमेटिक की दिखी जाती है। क्यों? जब गोनोरिया सप्रेस्ड हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है गोनोरिया का, जिसकी वजह से उसको रूमेटिक हो रही है, मतलब ज्वाइंट्स में काफी ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, जैसे आने का में फीलिंग नहीं रहती है, काफी ज्यादा मारा पीटा कंडीशन रहती है, तो इसमें भी ऐसा उसको सोर एंड वृष फीलिंग रहती है जॉइंट्स में। लोअर लिम्स में काफी ज्यादा पेन रहता है, जो कि उसका सारी कंप्लेन शो होती है लोअर लिम्स में, जो नाइट में एग्रीवेट करता है, ठीक है, या फिर जब वो लेटा हुआ होता है तो सोल्स में उसकी काफी ज्यादा बर्निंग देखने को मिलती है।
बैकएक काफी ज्यादा होता है, लंबर वर्टिब्रे काफी ज्यादा पेनफुल रहती है, या फिर अस्थमा की कंडीशन जिसमें एपिग्लॉटिस में स्पाज्मिक कंडीशन हो जाती है, मतलब पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है जब ये फेस के बल लेटता है या फिर एब्डोमेन के बल लेटता है, तो इसको सारी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिल जाता है, स्पेशली अस्थमा को लेके। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचेगा तो सारी इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड में भी हमने बताया था ये कंडीशन, वराइटा काम में भी थी, और जब ये सी शोर पे जाता है मतलब समुद्री वाले एरिया पे जाता है तो उसको रिलीफ मिलता है, और स्टमक के बल लेटने से, पेट के बल लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा। सी शोर की कंडीशन ये आपने कार्सिनोजेनम में भी देखी थी। इसको हमेशा कांस्टेंट थर्स्ट रहती है, हमेशा इसको प्यास लगती रहती है, इवन इसको ड्रीम्स भी आते हैं कि वो सपने में क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है। और इसकी जो कंप्लेंट्स है वो सनराइज टू सनसेट एग्रीवेट करती हैं, दिन के टाइम पे इसकी कंप्लेंट काफी ज्यादा होती है, जैसे कि नेट्रम्यूर है। जस्ट इसके अपोजिट जो है सिफलाइनम है, वो भी एक नोसोड है या फिर मरकरी है, उसमें क्या रहता है, सनसेट टू सनराइज उसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो रात के टाइम पे एग्रीवेट करती हैं। अब किसी में रूमेटिक की दिक्कत हो रही है या फिर गोनोरिया हो रहा है, ठीक है, तो गोनोरिया में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो साइकोटिक ग्रोथ होती है, इसमें ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है तो वो साइकोटिक में आ जाती है। इसको जो डिजायर से, काफी चीजों की डिजायर से, और ये नेस्सन ने भी बोला है कि इसकी जो डिजायर है काफी सारी पैक्यूलर है, जैसे कि इसको मीठे की भी डिजायर होगी, स्वीट्स भी पसंद होते हैं, ऑरेंजेस भी पसंद होते हैं, मतलब खट्टा खाना भी पसंद है इसको, शुगर भी पसंद होती है, चीनी भी इसको पसंद होती है, और बर्फ। जो पर्सन काफी ज्यादा बर्फ खाते हैं वो इस कंडीशन में आ जाते हैं, मेडो की कंडीशन में, ठीक है। डैड पीपल के इनको सपने आ रहे हैं, गोस्ट के सपने आ रहे हैं, तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। अब मेडोराइनम क्या होता है, गोनोरियल वायरस से प्रिपेयर किया जाता है, एक नोसोड है जो कि डिसीज प्रोडक्ट से बनाया गया जाए, जैसे कि गोनोरिया हो जाते हैं तो उसके जो एक्सक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, उसके प्रोडक्ट से बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम तो काफी ज्यादा पेल देखने को मिलते हैं, या फिर रैकेटिस जिनमें स्टंटेड ग्रोथ हो, या फिर बोन्स वगैरह की काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बोन्स में मालफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ड्वार्फिज्म देखने को मिल रही है, ठीक है। अपनी हाइट जो एज होती है उसकी हाइट के हिसाब से छोटे दिखते हैं, बौने टाइप के कॉम्पैक्ट होती है, इनकी स्किन जो होती है काफी ज्यादा थिक देखने को मिलती है, क्योंकि साइकोटिक है तो ओवर ग्रोथ होगी, स्किन भी काफी ज्यादा थिक देखने को मिलेगी, जैसे कि एंटियम क्रूडम में देखने को मिलती है। इसकी सारी दिक्कतें जो होती है वो सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से होती है। ये कहा जाता है जब साइकोटिक मियाज्म की डेवलपमेंट हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, काफी सारे पेशेंट्स को गोनोरिया हो रहा था, ठीक है। तो गोनोरिया को क्या किया, एंटीपैथी ट्रीटमेंट से या फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट से इसको कॉटराइज किया गया, इसको काटा पीटा गया, जहां पे भी गोनोरिया हो रहा था उसको काटा गया। फिर इसके बाद में ये क्या कह रहा है, अपनी प्राइमरी मैनिफेस्टेशन या फिर लेटेंट में चला जाता है, फिर जब ये किसी चीज को एक्सपोज करता है तो उसको फिर से ग्रोथ होनी चालू हो जाती है, तो उसके बाद जो ग्रोथ होती है काफी ज्यादा सीवियर फॉर्म में होती है। तो जिनका सप्रेस गोनोरिया हो या फिर एलोपैथी के द्वारा माल ट्रीटमेंट किया गया हो, उसको सप्रेस किया गया हो, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, ठीक है, जो कि मियास्मेटिक फॉर्म में कभी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, जैसे कि गोनोरिया है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो दूसरे जनरेशन में देखने को मिल रहा है। मेंटल सिम्टम्स की बात करें, जो कि अभी हम सब बात कर चुके थे, ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटफुल देखने को मिल जाता है, उसने क्या पढ़ा है इवन प्रीवियस लाइन को भी वो भूल जाता है, उसको टीचर्स क्या बुलाते हैं, बुक को रीड करने को बुलाते हैं, कोई भी चैप्टर बोलते हैं कि बच्चा इसको रीड करो, तो वो क्या करता है, जब रीड करता है तो उसने पहले क्या पढ़ा था वो यही भूल जाता है, काफी सारे कंफ्यूजन में रहता है। फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलती है, जैसे कि एल्ब्यूमिना में देखा था। टाइम पासिस टू स्लोली, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कैनाविस इंडिका है और एल्ब्यूमिना है, ठीक है। बिना बोले रोए हुए वो अपने सिम्टम्स को बोल नहीं पाता, जैसे कि आप लोगों ने देखा था पल्सेटिला में भी है और सीपिया में भी है, ठीक है।
थ्रेट ऑफ टॉक, वो बोलते बोलते भूल जाता है कि क्या बोलने वाला है, बहुत ज्यादा हरी में रहता है कंडीशन, जल्दबाजी में सब काम करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी फैटिकनेस की कंडीशन हो जाती है, थकावट हो जाती है। इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया गया, वीकनेस ऑफ मेमोरी, नेम ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, जो उसके क्लोज रिलेटेड फ्रेंड्स होते हैं उनके नाम भूल जाता है, अपने नाम भूल जाता है, वर्ड्स को करेक्टली स्पेल नहीं कर पाता या फिर राइटिंग में मिस्टेक्स वगैरह करता है, सिम्टम्स को भी अपने कलेक्ट नहीं कर पाता है, इसको ऐसा लगता है कि कोई भी उसके पीछे है, या फिर अंधेरा होता है जहाँ पे, तो उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे है जो कि बड़बड़ा रहा है, ठीक है, कानों में उसके कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, या फिर डार्क होगा, अंधेरा होगा तो उसमें कुछ फेसेस दिखाई देंगे जो कि फर्नीचर से पीप आउट करेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस में देखा था कि फॉस्फोरस में क्या लगता है कि फर्नीचर के पीछे से कोई बंदा पीप आउट कर रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन मेडो में भी देखने को मिल जाती है। छोटी छोटी बात को लेके चिड़चिड़ा हो जाता है, डे टाइम पे इसकी सारी कंप्लेंट्स क्या है, डे टाइम पे बढ़ रही हैं, तो डे टाइम पे तो काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, लेकिन रात में ये काफी ज्यादा खुश देखने को मिलेगा, ठीक है, बिना कुछ रोए हुए अपने सिम्टम्स को नहीं बता पाएगा या फिर कुछ बोल भी नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होती है, जल्दबाजी में काम करता है, कोई भी काम करेगा तो हमेशा वो हरेड स्टेज में रहेगा, जिसकी वजह से उसको बाद में थकावट हो जाती है। ड्रीम्स ऑफ ड्रिंकिंग, जब ये इसको प्यास भी काफी ज्यादा लगती है, इवन इसको सपने भी आते हैं कि पानी पी रहा है वो सपने में, गोश्त के सपने आ रहे हैं, सनराइज टू सनसेट इसकी कंप्लेंट एग्रीवेट हो रही है, और सी जब समुद्री एरिया पे जाता है तो उसको आराम मिलता है, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस होता है, हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों में गलतियां निकालता है, ये चीज हम बता चुके हैं। अब लिम्फेटिक ग्लैंड से साइकोटिक है, ठीक है, तो इसमें रूमेटिक की प्रॉब्लम रहती है, या फिर कोई भी लिम्फेटिक ग्लैंड से उसमें एलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर जॉइंट्स काफी ज्यादा पेनफुल देखने को मिल रहे हैं, फैटिकनेस पेन, इसको पूरी बॉडी पे कंस्ट्रक्टेड पेन होता है, जैसे कि ऐसा लगता है ना कैक्टस में जो सिम्टम्स हैं कि उसकी पूरी बॉडी को ऐसा लगता है कि उसको तार से बांध दिया गया है, कंस्ट्रिक्शन का जो सेंसेशन होता है पूरी बॉडी में, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है मीडो में, या फिर सोर एंड वृष्ट फीलिंग, जैसे कि आर्निका में थे, यूपिटोरियम परफोरेटम में है जो कि डेंगू रेमेडी है, पूरी बॉडी में इसकी ट्रैम्बलिंग होती है, कोलैप्स की कंडीशन रहती है, काफी ज्यादा इसको पसीना आता है, ठीक है, जब ज्यादा फैटिकनेस की कंडीशन हो जाती है, थकावट हो जाती है, तो काफी ज्यादा इसको पसीना होता है, पूरी बॉडी पे इसको स्वेटिंग हो जाती है, कोल्ड स्वेटिंग, जैसे कि वेरेटम एल्बम में है, ठीक है, तो इसको फैनिंग की डिजायर होती है कि हमेशा अपने आसपास क्या चाहिए होता है, इसको पंखा चाहिए होता है, ठंडी हवाओं की क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस देखने को मिलता है, इसको भूख की देखेंगे तो हम भूख इसकी काफी ज्यादा पैक्यूलर होती है, जैसे कि चाइना में है, सोरेनम में है, लाइको में है, कि एक बार उसने खाना खा लिया तो उसके बाद भी इसको भूख लगने चालू हो जाती है, खाने के तुरंत बाद उसको भूख लगती है, तो सोरेनम में भी काफी ज्यादा पैक्यूलर माना जाता है ये पॉइंट, और ज्वाइंट्स तो स्टिफनेस रहते ही है, काफी ज्यादा ज्वाइंट्स में पेनफुलनेस की कंडीशन रहती है। डिजायर बताई थी, स्वीट्स की डिजायर होती है, मीठे की काफी ज्यादा डिजायर होती है, सुगर की, बर्फ की और ऑरेंजेस की। हेड में देखेंगे तो काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, जैसे कि सल्फर में भी देखने को मिलती है बर्निंग सेंसेशन, कि इसमें टॉप ऑफ द वर्टेक्स में काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर हॉट सेंसेशन हो रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जो उसका सिर है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ लेकर जा रहा है, टाइटनेस की कंडीशन हो रही, कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन हो रहा है, तो इसकी पूरी बॉडी पे कंस्ट्रिक्शन सेंसेशन रहता है, टाइटनेस की कंडीशन रहती है, स्पेशली स्पाइन में जाता है इसका पेन, ठीक है, सिर से लेके पूरा पेन स्पाइन में जाएगा। आईज में देखोगे तो कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो जाती है, रेड रेड सी आंखें, या फिर कुछ ब्लेफराइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है लिड्स में, आईलिड्स काफी ज्यादा पेनफुल हो जाती है, तो जब थ्रैप्स पूछी जाती है सर्जरी में, थ्रैप्स पूछी जाएगी थर्ड ईयर में, तो ब्लेफराइटिस का अगर कोई थेरेपेटिक पूछता है तो मेडोराइनम लिख सकते हैं, ठीक है। टॉसिस की कंडीशन रहती है, अब रूमेटिक की वजह से इसमें टॉसिस की कंडीशन रहती है, जैसे कि आपने कॉस्टिकम देखा था, सीपिया देखा था, जेल्सिमियम देखा था,
इस टूल का एक काफी ज्यादा पेक्यूलर पॉइंट होता है इसमें। इसको स्टूल का ऐसा सेंसेशन होता है जब ये मतलब पीछे बैठेगा, मतलब अपना पीछे होके रहेगा तभी इसकी स्टूल पास आउट होती है, बैकवर्ड की तरफ रहेगा तभी केवल स्टूल पास आउट होगी। ऑनली लिखा है कैन ओनली पास स्टूल वाइल लीनिंग फार बैक, वेरी पेनफुल रहता है उसको, स्पिंटर पे क्या होता है लंप जैसा सेंसेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ रही है कि उसको पीछे रहेगा तभी उसका स्टूल पास आउट हो पाएगा, कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, रेक्टम में काफी ज्यादा निडल सेंसेशन होता है, बॉवल्स में मतलब कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहती है, रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया, काफी ज्यादा स्ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। मेल सेक्शुअल ऑर्गन की बात करेंगे तो नॉक्टर्नल यूरिनरी देखने को मिलती है, मतलब बच्चों में रात में बैड वेटिंग की कंडीशन, ठीक है। डिस्चार्जेस इसके जो होंगे वॉटरी होंगे, फिर उसके बाद में पूरी बॉडी को इसमें क्या हो जाएगा, स्टिफनेस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, इम्पोटेंसी की कंडीशन रहती है। अर्ली स्टेज में सेक्सुअल डिजायर है तो बाद में इम्पोटेंसी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने सेक्सुअल अब्यूज कर लिया है। यूरिनेशन के टाइम पे काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, या फिर यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इवन ये रीनल कॉलिक के लिए भी जाता है, जब रीनल कॉलिक में काफी ज्यादा भयंकर सीवियर पेन हो रहा हो और यूरिनेशन से इसको रिलीफ मिल रहा हो। बैक एक में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। फीमेल में बात करेंगे तो इसका जो स्टेनिंग होती है मेंसेस काफी ज्यादा डार्क देखने को मिलते हैं, और जो कि जिसकी वजह से जैसे कि जो फीटस की पोजीशन रहती है नी उसके एब्डोमेन के पास होता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कोलेसेंस में देखने को मिलता है कि अपने आप को पूरा डबलिंग अप कर लेता है। न्यूरलजिक पेन होता है हेडक में, सीवियर पेन होता है रीनल रीजन में जो कि अभी बताया था, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से जिसको इसको रिलीफ मिलता है, काफी ज्यादा इतना भयंकर पेन होता है कि इसका यूरेटर तक जाता है पेन, ठीक है, और इवन रीनल कॉलिक में भी यूरेटर तक पेन जाता है, ऐसा लगता है कि उसको जो कैलकुलस है रीनल कैलकुलाई है वो पास आउट कर रहा है। तो मतलब इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। टेनिस्मस देखने को मिलती है ब्लैडर में, पिंचिंग पेन, नॉक्टर्नल यूरिनरीसिस जिसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस देखने को मिल रहा हो, रूमेटिक की जो पेन रहता है इसका टॉप ऑफ द शोल्डर में रहता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम अदर रेमेडीज की, और इसका जो रूमेटिक का पेन है शोल्डर से लेके फिंगर्स तक जाता है जिससे मोशन से रिलीफ मिलता है। राइट साइड में अगर शोल्डर में पेन हो रहा हो तो सैंगिनेरिया, और लेफ्ट साइड में शोल्डर में पेन हो रहा हो तो फेरम मेटालिकम। ये काफी अच्छी मेडिसिन है शोल्डर पेन की, उसको ऐसा लगता है कि मतलब अपना जो लिम है फोर आर्म है शोल्डर है उसको जॉइंट से मूव भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका हाथ जो है उठ नहीं पाता है, तो ये कंडीशन रहती है शोल्डर पेन में। लेग्स में काफी ज्यादा पेन हो रहा है जो कि हिप टू नी से आ रहा है, या फिर पैर में काफी ज्यादा भारी भारी से सेंसेशन हो रहा है, चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही है, जैसे कि लेग्स और फीट में फिजिटी कॉन्स्टेंट मोशन की जो कंडीशन रहती है, जैसे कि जिंकम में है, बंदा बैठा हुआ है अपने पैर जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसका पैर जो है कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंट मोशन में है, ठीक है, जैसे कि जिंकम मेटालिकम में देखने को मिलता है। लोअर लिम में काफी ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, बर्निंग सेंसेशन होता है लेग्स में, ठीक है, लेग्स में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, कोल्डनेस लगती है लेग्स में, ठंडापन सेंसेशन, या फिर जो सोल्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है जैसे कि सल्फर आर्सेनिक में होती है, एग्जॉस्टेड फीलिंग। मोडलिटीज की बात करें जब अपनी कंप्लेंट्स को लेके सोचेगा तो उसकी कंप्लेंट बढ़ती है, जैसे कि हेलोनियाज है, ऑक्सलिक एसिड है, ठीक है, हॉट पेशेंट होते हैं ये, तो इनकी सारी कंप्लेंट्स होते हैं हीट से बढ़ती है, कवरिंग से बढ़ेंगी, इनको फैनिंग की डिजायर होती है, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे एग्रीवेट करती है, और कार्सिनोस इनका क्या था, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे उसको रिलीफ मिलता है, उसको अच्छा लगता है, जैसे कि सीपीआई है। दोनों रेमेडीज में हम कंपैरिजन करते चल रहे हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग इसका एग्रीवेशन रहता है जो कि सनराइज टू सनसेट इसका एग्रीवेशन रहता है, स्वीट से इसका एग्रीवेशन होता है, ठीक है, इसको आराम कम मिलता है जब ये सी सोर पे होता है या फिर स्टोमक के बल लेटेगा।
टाइम ऑफ एग्रीवेशन सनराइज टू सनसेट सिफ्लिनम के जस्ट अपोजिट, और मेडोराइनम को सी साइड पे अच्छा लगता है जैसे कि कार्सिनोजेनम को लगता है, एंड सिफ्लिनम को कब अच्छा लगता है जब वो ऊंचाइयों पे जाता है जैसे कि हिल एरिया में जा रहा है हिमालय प्रदेश, ठीक है वहां पे उसको अच्छा लगता है। कुछ क्लिनिकल की बातें कर ले तो क्लिनिकल में आईज में इंफ्लामेशन हो रही हो या फिर कॉन्स वगैरह, कॉन्स में क्या हो रहा है साइकोटिक ग्रोथ होती है, कॉन्स में एक स्पेसिफिक रेमेडी भी है एंटियम क्रूडम, ठीक है गोनोरिया सप्रेस्ड हो गया जिसकी वजह से रूमेटिक की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं ग्लीड डिस्चार्जेस को बोलते हैं, लिवर एब्सेस हो गई, अस्थमा हो गई, तो ये कुछ कंडीशंस है क्लिनिकल के बेस पे। टॉसिस की कंडीशन, सियाटिका रूमेटिक का पेन काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है और किडनी काफी ज्यादा सीवियर रीनल कोलिक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हमने बताया था, सैंग्यूनोरिया भी है और फेरम मेटालिकम भी है। सैंग्यूनोरिया में राइट साइड का रहता है, फेरम मेटालिकम में लेफ्ट साइड का रहता है। रूमेटिस्क सारे ज्वाइंट्स में इसको पेन हो रहा है, आर्निका और यूपिटोरियम जैसा सेंसेशन हो रहा है, इवन कैक्टस जैसा सेंसेशन हो रहा है पूरी बॉडी पे, न्यूरलजिक हेडेक देखने को मिल रहा है। जस्ट क्विक रिवाइज की हमने क्या क्या सिम्टम्स पढ़े थे जिससे कि हमारी पूरी मेडिसिन अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है पहली बात करते हैं, बहुत ज्यादा हरेट में रहता है, हर काम उसका जल्दबाजी में रहता है तो माइंड हरी करके भी रूब्रिक मिल जाएगा, ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिल जाती है, प्रोकास्टिनेटिव पर्सनालिटी, ये मीडो में अगर हमें मीडो को कंफर्म करना है, ठीक है मीडो आ रही है हमारी टोटलिटी में, अगर हम इसको मीडो में कंफर्म करना है तो हम कैसे पूछेंगे पेशेंट से कि आप क्या अपना काम हमेशा टालते रहते हो, टालना इन द सेंस कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, अपनी अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में देखा होगा कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो हमेशा अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं, ठीक है और अगर वो फेल हो जाते हैं तो दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा अपने काम को ये पोस्टपोन करेंगे, आज नहीं कल करूंगा, उनका कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। मेंटल सिम्टम्स जब अपनी दिक्कतों के बारे में सोचेगा तो एग्रीवेट कर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से उसको नरक मिलेगा, ठीक है सुसाइडल की टेंडेंसी रहती है, जब एंजाइटी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ापन, और एक लाइन और दे रखिए चिड़चिड़ापन जो होता है उसका दिन में होता है और रात में काफी ज्यादा खुश देखने को मिलता है, सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में ही सोचेगा, काफी ज्यादा सेल्फिश होता है, बहुत ज्यादा मेमोरी का वीकनेस होता है, ठीक है टाइम पासिस टू स्लोली, हमेशा इसको टाइम जो है हल्के हल्के पास होगा, क्लोरोवाइंस की स्टेट रहती है, सनराइज टू सनसेट इसकी कंप्लेंट्स पड़ती हैं, आराम मिलता है समुद्री एरियाज में और स्टोमक के बल लेटने पे, जब पेशेंट लाइंग ऑन स्टोमक में रिलीफ मिल रहा हो तो उस रेमेडी को हमें कंफर्म करने के लिए अमोनियम कार्ब भी है, एसिटिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड में ड्रॉपसी की कंडीशन ज्यादा हो जाती है, अमोनियम कार्ब में मैंसिस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है और काफी ज्यादा चिली पेशेंट होते हैं, ठीक है जैसे कि अमोनियम कार्ब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डायरिया हो जाता है उसको मैंसिस से पहले, कॉलरा लाइक सिम्टम्स, ठीक है तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें इसको नमकीन की डिजायर, मीठे की डिजायर, शुगर की डिजायर, ठीक है ऑरेंजेस की डिजायर, तो सारी चीजों की डिजायर देखने को मिल रही है। बेथोलकर सर ने काफी अच्छा इंडिकेशन किया है कि जब हमें इन चीजों की कॉम्बिनेशन मिल रहा हो डिजायर्स का तो काफी अच्छा काम करती है मीडो, ठीक है और जब बंदा सोते नहीं है ये तो उनको सोते समय सब पता चलता है कि क्या लोग क्या बातें कर रहे हैं, इनको ये मतलब जो होश वाली नींद रहती है वो कंडीशन रहती है, प्रोफ्यूस पर्सपिरेशन देखने को मिलता है, गोश्त के सपने आते हैं, पानी पीने के सपने आते हैं, कोटेड टंग रहती है जैसे कि एंटियम क्रूडम की रहती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हॉट पेशेंट होते हैं और इनको डिजायर होती है कॉन्स्टेंटली फैन की कि हमेशा इसको पंखा चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, ठीक है इवनिंग में इसको अच्छा लगता है जब डार्कनेस स्टार्ट होती है, लेकिन डार्कनेस में इसको फियर भी होता है, ये पैक्यूलियर पॉइंट है मीडो का कि इसके सारे सिम्टम्स में तो रात में इसको आराम मिल जाता है लेकिन रात में इसको फियर होता है इसको अंधेरे से, ठीक है रैविनेस हंगर, तो इन सब बातों की बात कर चुके थे हम। तो एक केस देख लेते हैं, कंपैरिजन हम
डायरेक्ट करते गए थे। ठीक है, तो केस में हम बात करते हैं कि एक बंदा था, ठीक है, क्लिनिक पे जो आया था काफी ज्यादा, वो जब डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे, बाहर वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, ठीक है, बाहर वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, उसकी जो एज थी वो 15 इयर्स की थी। 15 इयर्स की एज थी और जो बाहर बैठा हुआ था तो एकदम बच्चों की जैसा बिहेव कर रहा था, मेंटली रिटार्डेड था, मतलब वो पिस्तौल से खेल रहा था, ठीक है, और जितने भी जो बाहर पेशेंट बैठे हुए थे उनको शूटिंग कर रहा था, काफी ज्यादा चाइल्डिश बिहेवियर था, पराठा काव जैसे, ठीक है, और मेंटली रिटार्डेड था, शाई नेचर का देखने को मिल रहा था, उसको कॉन्फिडेंस की कमी थी। पर जब उसके पेरेंट्स से पूछा था तो पेरेंट्स बताए थे काफी ज्यादा लविंग नेचर का, हमेशा हर लोगों से प्यार करता है और अफेक्शनेट है, ठीक है, सभी से नॉर्मली अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, फ्रेंडली नेचर का रहेगा। जब इसको गुस्सा आता है तो एकदम ये रूड हो जाता है, ठीक है, या फिर पेरेंट्स पे हाथ पैर चलाना चालू कर देता है, या फिर कोई भी क्लॉथिंग होती है तो उसको किक ऑफ कर देता है। इसको फोटोग्राफी करना काफी ज्यादा पसंद थी, स्टडीज में पुअर था। अब जब मेंटली रिटार्डेड है तो स्टडीज में तो पुअर हो गई होगा। इसको जो क्रेविंग थी वो कोल्ड ड्रिंक की और आइसक्रीम की थी। इसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या था, गोनोरिया का सप्रेशन देखने को मिल रहा था, कि उनके पेरेंट्स को कभी गोनोरिया हुआ था जिसको एलोपैथी के द्वारा उसको सप्रेस किया गया था, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो उसके जेनेटिकली चाइल्ड में आ गई थी, जो कि जिसकी वजह से मेंटली बच्चा रिटार्डेड देखने को मिल गया था और हॉट पेशेंट था, ठीक है। और हमने कल बताया था कि जो मीडो है वो हमेशा किसमें जाती है, हाइपोटेंसी में प्रेस्क्राइब होती है, तो नोसोर्स को हमेशा हाइपोटेंसी में जाती है, तो मीडो को क्या दिया था, हाइपोटेंसी में 1 ml प्रेस्क्राइब किया गया था। वैसे हम इसको वराइटा काप भी प्रेस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन वराइटा काप में गोनोरिया की सप्रेशन की हिस्ट्री नहीं देखने को मिलती है, और वराइटा काप जो होता है वो चिली होता है, जबकि ये क्या था, हॉट था, और गोनोरिया की हिस्ट्री देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ कंडीशंस थी मेडोराइनम की, जो कि रूमेटिक का काम करती है, रूमेटिक में काफी अच्छा काम करती है, या फिर स्टंटेड जो ग्रोथ होती है, ठीक है। उसका हम बता ही चुके थे। अगर अस्थमा देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में, साइकोटिक पेशेंट के बच्चों में, तो अस्थमा में नेट्रम सल्फ भी है, और नेट्रम सल्फ सभी जानते हैं इसकी जो कंप्लेंट्स है वो डैम्पनेस से बढ़ती है, या फिर बैटिंग की कंडीशन, जब थोड़ा बहुत भी कोल्ड के एक्सपोजर हो जाए या फिर बैटिंग हो गया, और इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें हेड इंजरीज देखने को मिलती है। तो ये तो बात है नेट्रम सल्फ की, ठीक है। वर्निंग सोल्स में सल्फर हो गई, पल्स हो गई, कैमोमिला हो गई, या फिर टाइम पासेस स्लोली में एलुमिना, कैनाविस इंडिका और अर्जेंटम नाइट्रिकम। रैविनस हंगर देखने को मिल रही है खाने के तुरंत बाद, तो उसमें चाइना, लाइको, सोरानम। किसी को इस रेमेडी में कोई प्रॉब्लम, तो अच्छे से समझ भी आ गई होगी और काफी सारे सिम्टम्स याद भी हो गए होंगे।